शाहिद मीरा, शाहिद करीना, सलमान शाहरुख खान, इनका हुआ मेकअप, वही बिपाशा हरमन, इरफान अक्षय, नवाजुद्दीन इरफान का हुआ ब्रेकअप। मेकअप एंड ब्रेकअप्स ऑफ 2015। And welcome. मैं हूँ आराधना and you are watching Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। 2015 में Planet Bollywood ने आपको दी बॉलीवुड की हर गॉसिप, हर न्यूज एंड लाइक एवरी ईयर इस साल भी बॉलीवुड में हुआ है काफी कुछ खास। और आज 2015 के इस लास्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे इस साल के बिगेस्ट ब्रेकअप एंड पैचअप्स। तो इंतजार किस बात का है, दिखाते हैं आपको हमारे हॉटेस्ट काउंटडाउन में कौन से ब्रेकअप और पैचअप है 10-6 की पोजीशन पर। मेकअप एंड ब्रेकअप ऑफ 2015। मेकअप, शाहिद एंड मीरा टाई द नॉट। बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर शाहिद कपूर 2015 में बन गए 7 फेरों के बंधन में। मीरा राजपूत हो गई मुंडे शाहिद कपूर दी। और इस शादी की ट्यून पर पूरा बॉलीवुड ठुमका। बी टाउन स्टार्स ने शाहिद और मीरा की जोड़ी पर बरसाया अपना प्यार। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी छाई रही शाहिद की शादी, और शाहिद की शादी करने लगा ट्विटर पर ट्रेंड। शाहिद के फैंस ने भी किया उन्हें विश, शाहिद मीरा इज लुकिंग क्यूट, होप यू बोथ आल्सो हैव अ ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ जस्ट लाइक SRK गौरी एट शाहिद कपूर #शाहिद की शादी। बिगेस्ट कॉन्ग्रेट्स फॉर @शाहिद कपूर एंड मीरा, विशिंग यू लव एंड हैप्पीनेस ऑन योर स्पेशल डे एंड एवरी डे इन योर लाइफ @शाहिद कपूर FC #शाहिद की शादी। वैसे शाहिद की शादी की न्यूज से कुछ फैंस का दिल भी टूटा। I'm going to listen every sad song I've ever downloaded on repeat on July 7th. #शाहिद की शादी। शाहिद और मीरा की शादी ने 2015 में काफी बस क्रिएट किया था। मेकअप एंड ब्रेकअप ऑफ 2015। मेकअप, SRK एंड अजय पैच अप ऑन द सेट्स ऑफ दिलवाले। 2015 में कई स्टार्स का हुआ पैचअप, और इसी पैचअप लिस्ट में शामिल हुए अजय देवगन और शाहरुख खान भी। ये है अजय और शाहरुख की वो तस्वीर जो इंडिया से मीलों दूर बल्गेरिया में ली गई थी। इस तस्वीर को देखने के बाद ये माना जाने लगा कि इन स्टार्स के बीच की रंजिश अब दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। 2012 में जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के क्लैश के बाद अजय और शाहरुख के रिलेशन काफी टेंस हो गए थे, और इन तीनों स्टार्स ने एक साथ डिनर भी किया। द पैचअप डिडंट जस्ट एंड देयर। शाहरुख खान ने तो साल के एंड होते होते अजय के बारे में ये स्टेटमेंट भी दिया था, अजय एंड मी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। वेल, दोनों एक्टर्स का बुल्गेरिया में 7 टाइम स्पेंड करना और फिर शाहरुख खान का अजय के बारे में ये स्टेटमेंट देना साफ इसी ओर इशारा करता है दैट दीस टू बी टाउन बिगीज किस्ड एंड मेड अप इन 2015। Makeup and breakup of 2015. Makeup, Nana Patekar patches up with Akshay. साल 2015 में अंत हुआ बॉलीवुड की 8 सालों से चल रही एक वॉर का। ये वॉर थी नाना पाटेकर और अक्षय कुमार के बीच। अक्षय कुमार और नाना पाटेकर 2007 से टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे। पिछले कई सालों से ना ही नाना ने और ना ही अक्षय ने बढ़ाया एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ। लेकिन 2015 के मिड में जूम पर एक्सक्लूसिवली नाना पाटेकर ने सारे गिले शिकवे भुलाते हुए अक्षय के साथ किया पैचअप। आज मैं ये मीडियम के द्वारे में उनको कहता हूँ कि नहीं, मेरे जहन से वो सब निकल गया। कभी कभार मिलेंगे तो हंस देंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, गले मिलेंगे। नाना पाटेकर ने जूम पर एक्सक्लूसिवली कन्फेस किया कि कैसे वेलकम फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय से हो गया था उनका झगड़ा, और तब से उनके और अक्षय के बीच है बातचीत बंद। अक्षय के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उस फिल्म के दौरान, लेकिन वो रहा नहीं। मुझे लगा था कि वो मेरे जहन में रहेगा, लेकिन अब लगता है नहीं रहा।
लेकिन 2015 में नाना पाटेकर सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ गए। अब उनके दिल में अक्षय के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। यही नहीं, नाना पाटेकर ने जूम पर एक्सक्लूसिवली ये भी माना कि वो अब अक्षय को मिस करते हैं। तो कुछ यूं 2015 में 8 सालों का ब्रेकअप बदल गया पैचअप में। मेकअप एंड ब्रेकअप ऑफ 2015। मेकअप शाहिद एंड करीना पैचअप। 2015 रहा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की दोस्ती का साल। इस साल दो ऐसे एक्टर्स दोस्त बने जिनकी दोस्ती के बारे में इस साल से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्स कपल शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की। दोनों ही स्टार्स ने 2015 में अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक दूसरे को अपना दोस्त बना लिया। इन दोनों ही स्टार्स ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक्सेप्ट किया कि उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने में नहीं है कोई एतराज। A privilege. She's fantastic. Both amazingly, you know, brought up children. They are cordial. They're civilized human beings. Mm-hmm. And I mean, you know, we're not animals. Like the way the media would perceive and want a fight or want something. But I mean, that doesn't happen in real life. You know, it's sure. Like it's the reality of the situation is that we're mature individuals. Sure. वैसे करीना से शाहिद की दोस्ती हुई तो सैफ ने भी शाहिद को गले लगा लिया। सैफ शाहिद एक साथ एक फिल्म रंगून कर रहे हैं और करीना को लगता है कि ये फिल्म शाहिद और सैफ के करियर की बेस्ट फिल्म हो सकती है। And you know they're working together and who knows, that's probably going to be one of the, you know, each of their best because Saif has done an amazing film with Vishal in Omkara and Shahid has done Heather. And there's Kangana in the film. So I think, you know, we have three brilliant actors. Who knows, it might just be their best film in their career. Well, saaf hai. 2015 mein Shahid aur Kareena ki patch-up rahi badi story. Planet Bollywood mein filhaal waqt ho gya hai ek chote se break ka. Lekin aap kahin mat jaye kyunki ye hottest countdown jari rahega. So stay with us and stay turned on. Planet Bollywood. वेलकम बैक प्लैनेट बॉलीवुड में। आज हम आपको दिखा रहे हैं 2015 की वो बिगेस्ट ब्रेकअप एंड पैचअप्स जो बने इस साल की सुर्खियां। तो चलिए देखते हैं हमारे काउंटडाउन में कौन से स्टार्स की ब्रेकअप और पैचअप है 5-1 की पोजीशन पर। मेकअप एंड ब्रेकअप ऑफ 2015। ब्रेकअप नवाजुद्दीन एंड इरफान अपेरेंटली हैड अ फॉल आउट। में बी टाउन की दो एस एक्टर्स का हुआ ब्रेकअप। वेल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान के बीच 2015 में छिड़ गई एक कोल्ड वॉर। एंड फॉर ऑल दोस हु डोंट नो अबाउट दिस, आज जूम बताएगा दैट व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग बिटवीन दीज टू स्टार्स। 2015 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई मौकों पर पास किया इरफान के बारे में सार्कास्टिक कॉमेंट्स। नवाजुद्दीन के शुरुआती दिनों में इरफान ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था और उसके बावजूद नवाजुद्दीन लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू बैड माउथ इरफान इन द ईयर दैट वाज। पर इरफान ने नवाज के अगेंस्ट पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा। सोर्सेस रिवील दैट अपेरेंटली नवाज एंड हिज टीम मेंबर्स पर्पसली ट्राई टू पोर्ट्रे दैट नवाज इज मोर पॉपुलर देन इरफान। और ये भी माना जा रहा था कि नवाज अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से इरफान को बैड माउथ कर रहे थे। नवाज के कई स्टेटमेंट्स के बाद भी इरफान ने इस पूरे मामले पर चुप्पी बनाए रखी और सोर्सेज के मुताबिक इरफान का मानना है कि अगर वो नवाज की कही किसी बात पर रिएक्ट करेंगे तो इससे नवाज को पब्लिसिटी मिलेगी जो कि वो उसे देना नहीं चाहते। वेल, जूम की सोर्सेज के मुताबिक ये साफ हो गया था कि पहले दोस्त रह चुके नवाजुद्दीन और इरफान आर नो मोर फ्रेंड्स। और 2015 में इन दोनों के बीच के कोल्ड वॉर ने ये साबित कर दिया कि इन दोनों स्टार्स का हो गया है ब्रेकअप। Well, Zoom hopes all gets well between these two in 2016. Makeup and breakup of 2015. Breakup. Nargis and Uday apparently broke up. Bollywood mein Uday Chopra kuch kamal kar paaye hon ya nahi? Unki personal life ke charche to chalte hi rehte hain.
कभी ट्विटर ट्रोल्स को स्मार्ट आंसर्स देते हुए तो कभी अपने अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स ऑन सोशल मीडिया की वजह से। उधर रहते हैं हमेशा इन द हेडलाइंस, लेकिन सबसे ज्यादा रूमर्स चलते रहते हैं उनके अलेजेड अफेयर्स को लेकर। जहाँ कभी उनका नाम जुड़ता रहता था तनिषा मुखर्जी से, तो कभी उसके बाद उनका नाम जोड़ा गया ब्यूटीफुल बॉम्बशेल नरगिस फाखरी के साथ। लेकिन अपेरेंटली सोर्सेस की माने तो उदय एंड नरगिस हैड अ सीरियस अफेयर। ये दोनों चाहे जितना भी डिनाई करते थे, उनके सोशल नेटवर्किंग साइट के ट्वीट्स को देखकर उनके लिंकअप के रूमर्स सही ही लगने लगे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच आ गई दरार और बी टाउन की चोपड़ा फैमिली के छोटे साहबजादे अब फिर से हैं सिंगल, क्योंकि इस प्रिटी लेडी ने छोड़ दिया है इनका साथ और इसके चलते ये दोनों आ गए हैं हमारी लिस्ट में ऑफ द बिग ब्रेकअप्स ऑफ 2015। मेकअप एंड ब्रेकअप ऑफ 2015। ब्रेकअप डिफरेंसेस बिटवीन इरफान एंड अक्षय। किसी भी बॉलीवुड मसाला पॉट बॉयलर में एक पार्टी सॉन्ग होना तो आम बात है, लेकिन 2015 में जब इरफान खान ने किया एक स्पूफ ऑफ सम आइकॉनिक पार्टी सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड इन बॉलीवुड फिल्म्स, तो ऑनलाइन तो लोगों ने इसको खूब पसंद किया, लेकिन बी टाउन के खिलाड़ी कुमार हो गए इससे नाराज, क्योंकि उन्हें लगा ये गाना उनके फिल्म बॉस के गाने पार्टी ऑल नाइट का उड़ा रहा है मजाक। Even Irfan was making fun of himself because he himself has done many party songs. One was with me only. Thank you. अब अक्षय की नाराजगी को देखकर इरफान भी चुप नहीं रहे। Irfan wanted Akshay to take this as a joke and take a chill pill. Irfan said, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था। I never knew that you know Akshay had a song like that and is based on that. So I wasn't aware. I didn't know that. They told me, you know, it's not an original song. मैंने कहा फिर where is the original song? Then they showed me. Well, अक्षय जब आप इतने बड़े स्टार हों तो पॉजिटिव फीडबैक और इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के साथ साथ कभी कभी ऐसे मजाक को भी लाइटली लेना ही पड़ता है। Nevertheless, इरफान एंड अक्षय entered our list of major breakups of 2015. Makeup and breakup of 2015. Breakup. Pulkit Samrat separates from wife Shweta Rohira. साल 2015 बना पुलकित सम्राट और उनकी वाइफ श्वेता रोहिरा के सेपरेशन का ईयर। 2015 के एंड में श्वेता और पुलकित के डिवोर्स की खबरों ने सबको चौंका दिया। महज एक साल में पुलकित और श्वेता ने फैसला कर लिया अलग होने का। यूं तो 2015 के मिड से ही खबरें आ रही थी कि पुलकित सम्राट और सलमान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा के बीच आने लगी है प्रॉब्लम्स। हालांकि शुरुआत में इन खबरों को रूमर्स बताया गया, लेकिन इस साल के एंड तक साफ हो गया कि पुलकित और श्वेता की एक साल की शादी टूट चुकी है। पुलकित और श्वेता के बीच आई दूरियों की वजह यामी गौतम को भी माना गया। खबरें आई कि फिल्म सनम रे की शूटिंग के दौरान पुलकित और यामी एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। यामी के साथ बढ़ती यही करीबियां पुलकित को श्वेता से बहुत दूर ले गई। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान श्वेता ने पुलकित और उनकी सेपरेशन की वजह पुलकित की फैमिली को बताया। कमेंटिंग ऑन अ सेपरेशन श्वेता सेड, पुलकित वन डे केम एंड सेड दैट ही इज सेपरेटिंग फ्रॉम मी बिकॉज़ ऑफ हिज फैमिली। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट फैमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुडंट डू एनीथिंग टू हर्ट ईच अदर्स फैमिलीज। इसी ही इंटरव्यू में जब श्वेता से यामी और पुलकित के लिंकअप के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ये कहा, Between then and now, Yami is not the reason. I don't know about the future. और इसी के साथ 2015 गवाह बना पुलकित और श्वेता के सेपरेशन का। Makeup and breakup of 2015. Breakup. Bipasha splits with Harman Baweja. 2015 में ब्रेकअप्स की बात की जाए तो बी टाउन की हॉट एंड सिजलिंग बिपाशा बासु और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड हरमन बवेजा के बीच ब्रेकअप ने बस क्रिएट कर दिया। अमिट्स रूमर्स ऑफ गेटिंग मैरिड सून, दोनों ने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया था जब दोनों ने अपने ब्रेकअप पर ये जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था। We have had our differences, but this rumor is rubbish and has nothing to do with us taking our time off. In our relationship, we have been dignified and respect each other. But इस joint statement के कुछ महीनों के बाद ही बिपाशा ने एक interview में दिया एक statement जिसने हरमन और बिपाशा बासु के breakup की खबर पर लगा दी मोहर। बिपाशा said, "Yes, we have, and it is just unfortunate.
Sometimes between two people, it is not necessarily just meant to be. People always ask me why we split up, given that we are both such good human beings and we're so good together and that we look like a perfect match. But I feel and can just say that if it is a perfect match, it will last. In any relationship, what happens between two people, only those two people know the exact truth. And honestly, they should be answerable to only each other. But I can say that Harman is a great guy and a wonderful human being. इनके इस ब्रेकअप के पीछे भी कई स्टोरी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था अपेरेंटली बिपाशा बासु गॉट हरमन बवीजा रेड हैंडेड विद अ फॉरेन मॉडल व्हाइल अदर्स सेड इट वाज बिपाशास प्रॉक्सिमिटी टू करण सिंह ग्रोवर दैट कॉज्ड प्रॉब्लम्स इन दिस रिलेशनशिप ओके फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बट ऑल यू बॉलीवुड फैंस आउट देयर स्टे ट्यून्ड टू जूम क्योंकि कल हम आपको दिखाएंगे 2016 में क्या है आपके फेवरेट स्टार्स के प्लान्स एंड विद दैट हियर इज विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर